हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आप लोग के पास आज लेके आई हूँ एक मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो। ये बिगनर ट्यूटोरियल वीडियो है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको मेकअप करना सिखाऊंगी। तो बहुत ही बेसिक सा मेकअप किया है ये। अगर आपको ये लुक पसंद आया है तो वीडियो में बने रहिए, साथ में मिलके ये लुक क्रिएट करते हैं और छोटी छोटी सी माइनर माइनर सी चीज़ें सीखते हैं मेकअप के बारे में। तो आइए वीडियो में बने रहिए। जैसा आप देख सकते हो, अभी मैंने कुछ भी मेकअप नहीं किया है, बिल्कुल भी ऐसी दिख रही है मेरी फेस अभी। तो सबसे पहले आप फेस वॉश कर ले कोई भी मेकअप करने से पहले। तो मैंने फेस वॉश कर लिया है अच्छे से और एक बैंड लगा लेते हैं सो दैट बाल ना आए आंखों में। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉइस्चराइजर से। तो ये मैं काया का मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। आपको सारे प्रोडक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऐसा नहीं आपको मैं जो प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ वही यूज करना, आप जो भी मॉइस्चराइजर यूज करते हो वो यूज कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये काफी हाइड्रेटिंग है तो मैं बस इतनी सी लूंगी और इसको अच्छे से फेस में लगा लेंगे। नेक में भी लगा लें, ईयर में भी मैं लगा रही हूँ अच्छे से। इसके बाद बारी आती है प्राइमर की। मैं कलर बार की प्राइमर लगा रही हूँ। ये परफेक्ट मैच प्राइमर है। ये जेल बेस है तो मैं थोड़ी सी लूंगी, या इतना काफी होगा। इसको आप दो उंगली के बीच में रख के रब कर लें। इससे क्या होगा, आपका काफी फाउंडेशन का जो लुक है बहुत ही अच्छा आएगा। ये मैंने लगा लिया। अब मैं मेबलिन की फिट मी फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। मेरी शेड है 310। ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, मुझे काफ़ी सूट करता है तो मैं इसे लगाना प्रेफर करती हूँ एवरीडे यूज के लिए। अदरवाइज फॉर स्पेशल ओकेजन आई अप्लाई मैक फाउंडेशन। तो ये मैंने इतना सा ले लिया। और अगर आप चाहते हो आपका फाउंडेशन पैची ना दिखे तो आप क्या कर सकते हो, ये ब्यूटी ब्लेंडर हुआ, इसे थोड़ा सा, एक बोल में मैंने पानी लिया है, इसे आप पानी में थोड़ा सा वेट कर लें, अच्छे से निचोड़ लें और जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम लोग नैपकिन से निकाल लेंगे। तो ये हल्का सा वेट हो गया, अब हम लोग फाउंडेशन लगाएंगे। नोज पे क्या, अब इसके हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे फाउंडेशन को। ठीक है, फाउंडेशन आपको ज्यादा नहीं लगाना है, थोड़ी सी लगानी है तो अच्छे से स्किन में ब्लेंड हो जाए। बहुत लोग को लगता है बहुत सारा फाउंडेशन यूज कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा उनका स्किन, नो। आपको थोड़ी सी फाउंडेशन लगानी है ताकि वो बहुत ज्यादा पैच ही ना दिखे। और थोड़ा कान में भी लगा ले रही हूँ, इतने अच्छे से ब्लेंड हो गया है और आपको अभी चेंजेस दिख रही होंगी थोड़ी थोड़ी। अब इसके बाद बात आती है कंसीलर की। आप देख सकते हो मेरे आँख के नीचे बहुत ही डार्क सर्कल है। कल मैं अच्छे से सोई नहीं, तो मैं अगर एक दिन भी अच्छे से स्लीप नहीं लेती हूँ तो मेरा थोड़ा डार्क सर्कल का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये मेबलिन की ही है, कंसीलर है, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। मैं सारे प्रोडक्ट के लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में तो आप चेक कर लेना। तो अब इसको ट्रायंगुलर शेप में लगाना है कि ट्रायंगल बना लिया मैंने, ट्रायंगल के शेप में लगाना है। और आपका जहाँ भी स्पॉट्स है जो आप कवर करना चाहते हो, यहाँ पे मेरे कुछ डार्क स्पॉट्स हैं या यहाँ पे स्पॉट्स है तो मैं सारा स्पॉट्स कवर कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ कंसीलर। और मैं कुछ अपने एरिया हाईलाइट भी करना चाहती हूँ तो ये एरिया मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, फोरहेड हाईलाइट करना चाहती हूँ। यहाँ पे मेरे थोड़े डार्क सर्कल है, यहाँ पे थोड़ा, जब स्किन में इस साइड थोड़ा डार्कनेस होता है ना तो वहाँ पे आप ये लगा लें या और नोज में ऐसे साइड साइड में हाईलाइट करने के लिए। अब मैं सेम ब्लेंडर के हेल्प से उसको डैब डैब के मोशन में
अच्छे से लगा लूंगी। डैब डैब ही करें वरना वो पूरे स्किन में फैल जाएगा आपका कंसीलर। आपको जहाँ जरूरत है जहाँ वहीं पे लगाना है, तो इसलिए डैब डैब प्रोसेस में आप इसको लगाएं। मैं बचा हुआ थोड़ा सा कंसीलर आपके ऊपर इसी ब्लेंडर में जो लगा हुआ था उसी को लगा ले रही हूँ, क्योंकि हम लोग हल्का सा आई शैडो लगाएंगे तो उससे अच्छा सा बेस मिल जाएगा इसको। देखिए काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गया मेरे स्किन में। अभी आप क्या देखोगे, स्किन काफ़ी फ्लैट लग रही है, टेक्सचर नहीं है स्किन में, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, कंटूरिंग करेंगे। तो आइए कंटूरिंग करते हैं साथ में। ये रहा, जो भी कंटूरिंग के लिए आप यूज़ कर रहे हो फाउंडेशन या कंसीलर कुछ भी, तो वो आप अपने फाउंडेशन का 3 सेट डार्क कर लीजिए, ये एक टिप है। तो अभी मैं क्या करूँगी, आप फिश फेस बनाओ, परफेक्ट। इसे हम लोग कंसीलर ब्रश से, ये रहा कंसीलर ब्रश, इसे ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। इसी प्रोडक्ट को हमें हिलाना नहीं है, अपने प्लेस से हटाना नहीं है, वहीं पे आप अच्छे से ब्लेंड करें। मेकअप पे इज ऑल अबाउट ब्लेंडिंग, आप कितने अच्छे से अपना मेकअप ब्लेंड कर पाते हो। सब चीज़ के लिए प्रैक्टिस चाहिए, तो स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट दिखेगा मगर ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अभी पूरा आपका फेस में एक शेप आ जाएगा। अब मैं फिंगर के हेल्प से बाकी का ब्लेंडिंग करूँगी अच्छे से। तो ये फिंगर, आई थिंक फिंगर के जो हीट होती है ना उससे मेकअप बहुत ही अच्छा ब्लेंड होता है। तो ऐसा नहीं है आपके पास ब्रश है तो ही आप मेकअप कर सकते हो, आपके पास ब्रश नहीं है तो भी आप मेकअप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर। आफ्टर कंटूरिंग ऐसा दिख रहा है। बहुत लोग कॉम्पैक्ट बिफोर कंटूरिंग लगाते हैं मगर मुझे कंटूरिंग के बाद पाउडर और अपने यू नो प्रोडक्ट को लॉक करना पसंद, तो मैं लैक्मे एब्सोल्यूट की कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए आप कोई भी फ्लफी ब्रश ले लें, और ये हुआ एक्स्ट्रा पाउडर हटा दें, हटा दिया एक्स्ट्रा पाउडर, और अब ब्रश आँख के ऊपर भी लगाएं क्योंकि हम लोग आई शैडो भी लगाएंगे। तो हम लोग आईज पे जाएंगे, पहले आईब्रो फिल करेंगे, तो इसके लिए मैं ये आईब्रो पेंसिल यूज कर रही हूँ। ऑलवेज ऑलवेज गो फॉर ब्राउन, ब्लैक गलती से भी मत लीजिए, वो बहुत ही आर्टिफिशियल दिखता है, बहुत ही आर्टिफिशियल। बिल्कुल भी हल्के हाथों से करें, खींच के स्ट्रेट लाइन लगा लोगे ना तो बहुत ही पैची दिखता है, बहुत ही गंदा दिखता है। तो एकदम हल्के हाथों से पेशेंस रखिए और फिर आप अपने आईब्रो फिल कीजिए इस ब्रश के हेल्प से। इसके ऊपर टॉप पे ब्रश आता है, उसे थोड़ा सा ब्रश कर लेंगे। ये हो गया। इसके बाद मेकअप से पहले हम लोग थोड़ा सा अपने लिप को मॉइस्चराइज कर लेते हैं। मैं मेबेलिन की लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। अब जाते हैं आईज पे। तो ये जस्ट बहुत ही बेसिक सा आई शेडो पैलेट है और 4 कलर है, तो मैं इसमें ये वाला पिंक लेती हूँ। लिया को बहुत ही पिगमेंटेड है ये, तो मैं थोड़ा ब्रश आउट कर रही हूँ। अब इसको आईलेट पे लगाएंगे। जब भी मेकअप करो, स्पेशली आई मेकअप, दिस इज योर कैन बी योर सेवियर। तो ये हमेशा अपने आई मेकअप करते वक्त अपने पास रखे। तो जो एक्स्ट्रा इधर गिर गया है उसको मैं हटा दे रही हूँ, हट गया। आई शेडो इज ऑल्सो ऑल अबाउट ब्लेंडिंग, थोड़ा सा मैं फिंगर से और अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। ये जो ब्राउन सेट है वो हम लोग लगाएंगे बीच में, तो इसके लिए मैं फिंगर का यूज कर रही हूँ। आई डोंट नो फॉर ये बीच में लगाने के लिए फिंगर बेस्ट वर्क करता है, तो मैं फिंगर से लगा रही हूँ हल्का सा। मैं कितना अच्छा कॉम्बो लग रहा है ये, सेम इस आँख में भी कर लेंगे।
ज़्यादा ओवरवोट नहीं जाएंगे हम लोग, और अब अच्छे से दोनों को ब्लेंड कर लेंगे ब्रश की हेल्प से। और ये अच्छे से फिनिश हो इसलिए ये कॉम्पैक्ट ले लेंगे हम लोग, और थोड़ा सा पाउडर लेंगे, और इसको इससे क्या होगा जो अगर गलती से थोड़ा भी ऊपर आ गया है तो अच्छे से ब्रश आउट हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं लाइनर के तरफ। तो लाइनर मैं लैक्मे एब्सोल्यूट की लगा रही हूँ। अभी काफ़ी फैशन में है थोड़ा मोटा आईलाइनर लगाना, तो मैं थोड़ी मोटी आईलाइनर लगाने वाली हूँ। वो अच्छे से दिखता भी है और थोड़ा अच्छा दिख रहा है आजकल। सेम इस आँख में भी लगा लेंगे। तो इस आँख में भी लगा लिया मैंने। अब क्या करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। सकते हो मैं ब्लैक कलर का एक काजल ले आई, इसको क्या करते हैं आप टुलिप के हेल्प से आँख को थोड़ा ऐसे ऊपर कर ले, और ये जो ऊपर वाले पार्ट है ना उसमें आपको काजल लगाना है। इससे आपकी आँख काफ़ी भरी भरी दिखती है, बहुत अच्छा फिनिशिंग लुक आता है। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट दिखेगा पर डिफिकल्ट है नहीं इसे लगाना, में ही काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है गाइस, इसको मिस बिल्कुल भी ना करें। अभी क्या करना है, अगर आजकल ट्रेंड में है, आप जरूर नोटिस किया होगा, आँख के नीचे भी थोड़ा सा आई शेडो लगाते हैं, इससे काफ़ी फिनिशिंग लुक आती है। तो हम लोग फिर से वो सेम पिंक शेड लेंगे ये वाला पार्ट से, अच्छे से ब्लेंड कर ले गाइस। ये काफ़ी अच्छी दिख रही है, ये हो गया। इसके बाद काजल लगाएंगे। मैं एवरीडे यूज़ के लिए ब्राउन काजल प्रेफर करती हूँ, ये लैक्मे आइकॉनिक की है, तो हल्का सा लगाऊंगी मैं। तो आइए लगा लेते हैं। अब बारी आती है मस्कारा की। आई मेकअप बिल्कुल भी अधूरा है जब तक आप मस्कारा नहीं लगाओ, तो मस्कारा बहुत ही ज़रूरी है लगाना गाइस। मस्कारा तो आप फॉर श्योर स्किप गलती से भी मत कीजिए। तो ये रहा मस्कारा, ये वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा है, तो इससे क्या होता है आपको थोड़ा वॉल्यूम मिल जाएगा। नीचे लैसेस पर भी लगा ले। अब बारी आती है लिपस्टिक की, तो मैं एक्स्ट्रा लिप बम पोच ले रही हूँ, क्योंकि मैं मैट फिनिशिंग लिपस्टिक लगाने वाली हूँ, और इस पर अगर ये लिप बम रहा तो ग्लॉसी दिखेगा काफ़ी। तो ये मेबलिन की ही लिपस्टिक है, मैं सारी शेड और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगी, आप चेक कर लेना। अब बचा लास्ट स्टेप में हम लोग हाईलाइट करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं ये कंसीलर पैलेट यूज़ कर रही हूँ, अपनी नोज़ यहाँ हाईलाइट करना है। मैं फिंगर के हेल्प से ही हाईलाइट कर रही हूँ, ये बेस्ट वर्क करता है। थोड़ा सा फोरहेड हाईलाइट करना चाह रही हूँ यहाँ पे। अब देखो काफी अच्छा हाईलाइट हो गया, दिख रहा है आपको। एंड लास्ट में बारी आती है मेरी फेवरेट प्रोडक्ट की। अगर आप बिगनर हो और आपको ब्रश लगाना पसंद है और आप चाहते हो काफ़ी नेचुरल लुक आए, तो ये प्रोडक्ट बहुत ही बेस्ट है। ये बॉडी शॉप की लिप एंड चिक स्टीन है, तो इसे मैं यहाँ पे लगा लूँगी, मुझे यहाँ पे लगाना पसंद है। ये फ्यू ड्रॉप लगाया मैं, थोड़ा सा यहाँ पे नोज़ पे भी लगाती हूँ ताकि वो यू नो नेचुरल दिखे। तो अब इसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए हल्के हाथों से, बहुत ही हल्का हाथों से टैप 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 करके आपको करना है।
दिख रहा है आपको, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो गया ये, परफेक्ट। लास्ट में मैं मैक की फिनिशिंग स्प्रे से अपना मेकअप को लॉक करने वाली हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है गाइस। तो आपके जो भी पाउडर लुक है, या किसी में हाई पिगमेंटेशन है, किसी में लो पिगमेंटेशन है, सबको बहुत ही अच्छे से बैलेंस आउट कर देता है। आई नो ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, मगर इसकी मिनी वर्जन भी अब अवेलेबल है मैक में, तो आप वो लेके ट्राई कर सकते हो। तो पहले से शेक कर लें और फिर थोड़ा सा डिस्टेंस पे लेके अच्छे से स्प्रे कर लें पूरे चेहरे पर। तो गाइज ये रहा मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हो अच्छे से, बहुत ही सटल लुक है। आई होप आप लोग को ये ट्यूटोरियल वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो हिट लाइक बटन, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरह की वीडियो और भी लेके आती रहती हूँ। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बिलो, मैं आप लोग को रिप्लाई कर दूंगी। और सारे प्रोडक्ट के लिंक तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएंगे। तो मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।